मजदूर की बीबी जिंदा है, बीबी गयूर की बीबी जिंदा है, किसान की बीबी जिंदा है, भाइयों की बीबी जिंदा है, बहनों की बीबी जिंदा है, जवानों की बीबी जिंदा है, बोलान की बीबी जिंदा है, पाकिस्तान की बीबी जिंदा है, पंजाब की बीबी जिंदा है, बलोच की बीबी जिंदा है, पख्तून की बीबी जिंदा है, कश्मीर की बीबी जिंदा है, हम सब की बीबी जिंदा है, बीबी जिंदा है, बीबी जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि हम सबको पता है, हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं सब लोग बीबी शहीद की सालगिरह के लिए। तो मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगा और मैं दावत दूंगा अली डोगर साहब को, सर प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ और तलावत कुरान पाक से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر। दाव पर लगाया हुआ है, बिजनेस भी दाव पर लगाया, अपने घर वालों को इवन टाइम कम दिया और पीपल्स पार्टी को का। और गुजर साहब, आपने पीपल्स पार्टी को जिस तरीके से इस दौर में ज़िंदा रखा हुआ है, इंशाल्लाह ताला हम आप सबका तावन आपके साथ रहेगा। बहुत शुक्रिया। मैं चूँकि जब से हमने वोशमाला पीपल्स पार्टी में ही है, तो बीबी की नज़र सिर्फ बल्कि जो साम्राज्य कुफते हैं उनकी नज़र एक शेर है कि हमें न छेड़ो कि फिर हमारी ज़ुबान प्यामे फना बनेगी, तुम्हारी मस्ती की वालहाना अदा तुम्हारी कज़ा बनेगी। हुसैन नोके सना के मेंबर से कह गए थे यजीदियों से, हुसैन नोके सना के मेंबर से कह गए थे यजीदियों से, जहां जहां तुम सितम करोगे वहां वहां करबला बनेगी। थैंक यू वेरी मच। बीबी जैस लीडर पाकिस्तान ने ना थी, ना है, ना पैदा होंगी। वो वफाक की अलामत थी, वो चारों सूबों की जंजीर थी और हमें उनकी जो वैल्यूज़ थी, पॉलिटिकल वैल्यूज़, जो सियासी तरबियत थी, आज पाकिस्तान में इस तरह के लीडर की सख्त ज़रूरत है। आप तमाम दोस्तों से दुआ करेंगे कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उनके लिए दुआ करें, पाकिस्तान में इस वक्त जो सारे मसाइल हैं उसके लिए दुआ करें और बीबी के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। थैंक यू। बीबी को शहीद हुए 15 साल हो गए हैं, लेकिन शी स्टिल इन आवर हार्ट्स। हमें आज भी उनकी एक एक चीज़ याद है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें और जितने भी पीपल्स पार्टी के शहीद हुए हैं सब के दर्जात बुलंद करें। वो मुर्दा होकर जिंदा है, तुम जिंदा होकर मुर्दा हो। वो दुखी देख देश की कोयल थी, वो लड़की लाल कलंदर थी। करिया करिया मातम है, बस्ती बस्ती आंसू हैं, सहरा सहरा आंखें हैं और मक्तल मक्तल नारा है। वो कौम की बेटी थी, जो कत्ल हुई वो खुशबू। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि एक छोटे से नोटिस पे और आपकी ये मोहब्बत है बेबी शहीद के लिए कि आप लोग आ गए हैं। आज वर्किंग डे है तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। तो चौधरी साहब फिर नाम लेके सबको शुक्रिया अदा करेंगे। तो आज हम बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन मुझे माहौल थोड़ा सा जो है ना वो उदास सा लग रहा है। जारी बात है, वो बीबी अब शहीद हो गई है, दुनिया में नहीं है, लेकिन आज हम सालगिरह मना रहे हैं। देखें, जो बड़े लीडर होते हैं, जो बड़े रहनुमा होते हैं, उनकी सालगिरह इसीलिए मनाई जाती है कि वो एक उन्होंने एक इंस्पिरेशन दी है लोगों को, उन्होंने एक नया नज़रिया दिया है, उन्होंने लोगों को एक नई फ़िलासफ़ी दी है और इसी नज़रिए पर चलते हुए वो नस्लों तक चलता है। एक आवाज़ नहीं उठती है दुनिया में और वो पैदा होती है और आगे वो नज़रिया लेके चलता है। इसीलिए बरसी से ज़्यादा हमेशा से सालगिरह मनाई जाती है बड़े लीडरों की, किसी का भी देख लें यौम पैदाइश मनाया जाता है। तो इसीलिए आज हम बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह मना रहे हैं। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज, मैं अब दावत खिताब देता हूँ चर्च वे गुजर साहब को, हम सब की जान, कनाडा की शान, पाकिस्तान पीपल पार्टी कनाडा के प्रेसिडेंट चर्च वे गुजर साहब। जी ए भुट्टो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सारे दोस्तों ने बहुत अच्छे अल्फाज में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को याद किया। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 69th बर्थडे है, खुशी का मकाम भी है। हमारा मुल्क जिस दलदल में फंसा दिया, इतना कुछ मेरा ख्याल है पिछले
70 साल में नहीं हुआ था जो लास्ट 4 साल में हुआ हमारे मुल्क के साथ, जो खलवाड़ किया गया है पिछले 4 साल में, उसका मुआवजना पिछले 70 साल से आप नहीं कर सकते। आपने कभी सुना था कि एक बंदे को जमहूरी तरीके से फारग किया जाता है और वो उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है? सारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस पहले कहती थी कि आप पार्लियामेंट में 172% पूरे कर दें तो आपकी हुकूमत कायम रहेगी। उन्होंने क्या किया वो आपके सामने है। डिप्टी स्पीकर का रोल एक स्याह रोल था, स्पीकर का रोल एक स्याह रोल था, और जो फार्मर सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर था, जो जिनके जिन्होंने लाए थे उनको अपनी जान छुड़ानी मुश्किल हो गई कि किस तरह हम इस दलदल से निकलें। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन है। जो आज कहते हैं कि ये वही चेहरे हैं कल तक जो कह रहे थे कि मुल्क बड़ी सही सिमत में जा रहा है, और मेरा ख्याल है 2 महीने का अरसा नहीं गुजरा और ये वही लोग हैं ये कह रहे हैं मुल्क बहुत बुरी सिमत में जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में ये मुल्क, उसने जिस तरह तूफ़ानी दौरे किए हैं, जो जिस तरह उसने फैटफ के लिए तुर्की को राज़ी किया, जिस तरह उसने जर्मनी को राज़ी किया, जिस तरह उसने दूसरे अरब ममालिक को राज़ी किया, आपके सामने है। कुछ लोग ये कहते थे कि ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर बना है और ये मुल्क में नहीं बैठ रहा, उसका रिज़ल्ट आपके सामने है कि हमें किस तरह फैटफ में डाला गया। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे मुल्क का वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। तो हम अपनी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को कभी भी नहीं भूल सकते, वो हमारे दिलों में जिंदा हैं, वो पाकिस्तान 2 करोड़ आवाम के अंदर जिंदा हैं।